हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टाइटल से तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम यहाँ बात करने वाले हैं स्विस ब्यूटी के मेकअप ब्रश की किट है, जो 5 ब्रशेस की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पैकेजिंग की। तो ये एक प्लास्टिक पैकेजिंग है जो कि ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग की हुई है, ये देखिए। और यहाँ पे मेंशन हुआ है कि इसमें कौन से ब्रश हैं और इसका क्या वर्क है, बस इतना ही मेंशन हुआ है। और ये इसकी प्राइस है 299, बट ये मुझे 15% डिस्काउंट में मिला है, इसलिए मुझे ये 254 का पड़ा हुआ है। और ये मैंने पर्पल से परचेज़ किया है। ये आप चाहें तो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, लगभग लगभग सारे शॉपिंग ऐप पे ये आसानी से मिल जाता है। तो अब बात करेंगे इन ब्रशेस की। तो ये देखिए, इसको इस तरह से ओपन करना है। ये ट्रैवल में ये कैरी करने के लिए बहुत ही अच्छा है, ये इसको इसी तरह रखते हैं तो काफ़ी अच्छा है हाइजीन मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे 5 ब्रश हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट ब्रश की। यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग की हुई है, और इसमें कुछ भी, पूरे ब्रश में कुछ भी मेंशन नहीं है। अक्सर आपने ब्रश देखे होंगे, उस पर यह मेंशन होता है कि उनका नाम क्या है या उनका वर्क क्या है, ये सब मेंशन होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखने से ही फील हो रहा है कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सिलिकॉन ब्रश है, और यहाँ पे मेटल का यूज़ हुआ है, और नीचे का हैंडल जो है यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको दो और कलर भी आपको मिल जाएंगे, जो कि एक पिंक है और दूसरा सिल्वर है, माफ़ करिएगा, एक पिंक है और दूसरा गोल्डन है। मैंने यहाँ पे पर्पल मंगाया हुआ है। ये ब्रश की क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी वाइज भी ये ठीक है, और जैसे हम अफोर्डेबल प्राइस पे जो हमको मार्केट में ब्रश मिलते हैं, उनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि अभी हम इसको यूज़ करेंगे तो ये टूट के अलग हो जाएगा, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी वो ये है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा और थिक होना चाहिए था, ये मुझे काफ़ी थिन लग रहा है, काफ़ी ये यहाँ पे जो सिलिकॉन हेयर है या जो भी है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा फ्लपी ज़्यादा होना चाहिए था, वो यहाँ पे कम है। बस मुझे इस ब्रश में यही बात अच्छी नहीं लगी। ये पाउडर ब्रश है, और आप इसको ब्लशर अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेकेंड ब्रश की बात करेंगे। ये देखिए, इसकी भी यहीं पर ब्रांडिंग की हुई है, स्विस ब्यूटी, और बाकी कुछ भी मेंशन नहीं है। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। ये आई शेडो ब्रश है, इससे आप आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, उसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी इससे आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, नोज़ पे कंटोनर भी यूज़ कर सकते हैं, माफ़ करिएगा, कंटोनर भी यूज़ कर सकते हैं, और आईज़ के आसपास हाइलाइटर आप इससे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फोरहेड पे भी ये हाइलाइटर आप इसको इससे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी तरह उसका काम करने वाला है। आई शेडो अप्लाई भी कर सकते हैं और ब्लेंड भी कर सकते हैं। मुझे ये ब्रश काफ़ी पसंद आया। अब हम थर्ड ब्रश की बात करते हैं। ये देखिए, ये थर्ड ब्रश हमारा है, ये एप्लीकेटर है, इसको आई शेडो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईज़ पे, आई शेडो अप्लाई करने के लिए है, लेकिन ये ब्लेंड उतनी अच्छी तरह नहीं करता है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पे स्पंज का यूज़ हुआ है, तो ये आई शेडो एप्लीकेटर है, क्वालिटी वाइज ये भी काफ़ी सही है। अब हम फोर्थ ब्रश की बात करते हैं। ये है आईब्रो ब्रश, आप इससे ब्राउज को फिल करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, जब आपको अपनी ब्राउज थिक और ब्लैक दिखानी होती है तो ये अप्लाई करने के लिए है। ये क्वालिटी वाइज ये भी बहुत अच्छा है, और इससे भी आप कॉन्टोनर ब्रश का वर्क भी ले सकते हैं, वर्क कर सकता है एटलीस्ट, हालांकि कॉन्टोनर ब्रश देखने में बहुत अलग होता है, बट ये वर्क कर सकता है। ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छी तरह अप्लाई कर सकता है। दिखाती हूँ इसकी लेंथ क्या है, ये देखिए, ये इसकी लेंथ है, ना ही ये सब सारे ब्रश की यही लेंथ है, ना ही ये बहुत बड़े हैं ना ही छोटे हैं, और एकदम सही साइज है। आप इसको पर्स में रख के अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं आप। पाँचवा और लास्ट ब्रश है, ये है आई लाइनर ब्रश, देखिए
इससे आप काजल भी अप्लाई कर सकते हो, बट मोस्टली इससे आईलाइनर ही अप्लाई करते हैं। इस ब्रश की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तब एक साथ हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मुझे ये ब्रशेस कैसे लगे, तो मैं कहूँगी हाँ, अगर हम इनकी प्राइस पे जाएंगे तो उसके कंपैरिजन में ये ब्रश काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं। इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इतने अच्छे ब्रश शायद ही मार्केट में मिले, बट फिर भी मैं इसको 80 out of 100 दूंगी, बिकॉज मुझे ये थोड़ा ये सेट मुझे थोड़ा सा अधूरा लगा। इसमें कम से कम एक आध ब्रश और होना चाहिए था, जैसे ब्लेंडिंग ब्रश। हालांकि आप इस ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए, बट ये उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रश कम से कम होना चाहिए था, एक कॉन्टोरिंग ब्रश होना चाहिए था। हालांकि आप इन सब का यूज़ आप ये और इस ब्रश का यूज़ आप कॉन्टोर करने के लिए कर सकते हो, बट ब्रश की बात और होती है जो इसके लिए स्पेशली बना होता है। फाइनली मुझे ये ब्रश सही लगे इस प्राइस में, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट आपको कम से कम एक ब्लेंडिंग ब्रश इसके साथ परचेज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।